आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रशर प्रॉपर्टी। बट उससे पहले बताऊंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट बहुत तगड़े स्पीड से चल रहा है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मोटिवेशन मिलेगा, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिले। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो क्रशर प्रॉपर्टी इन सीएसएस हम अभी देखने वाले हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिप बनाऊंगा, यहाँ पे क्लास ले लूंगा। लेट अस अज्यूम इस क्लास का नाम हम रखते हैं फर्स्ट डिविजन। सो मैंने फर्स्ट डिव रख लिया इस क्लास का नाम। मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ कनेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने लोकेशन दे दिया है ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस का। अब क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट डिव है यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको एक हाइट दे देते हैं। लेट अस अज्यूम 500 पिक्सल्स। विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल्स का। एंड इसको क्या करता हूँ, एक बॉर्डर भी दे देता हूँ 10 पिक्सल रिच रेड। तो ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया है, अगर आपको डाउट है तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो मैं अभी ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा, तो फिलहाल के लिए ये मुझे अपने स्क्रीन पे दिख जाएगा, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। तो अभी आप मेरे क्रसर को देखिए, अभी ये जो क्रसर है अभी एरो दिख रहा है, फिलहाल के लिए बाई डिफॉल्ट एरो दिख रहा है। जब भी मैं इस रेड बॉर्डर के अंदर जा रहा हूँ ये मुझे अभी एरो दिख रहा है। ओके, बट अगर हम चाहें उसको चेंज करना तो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्रसर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सिंपल सा आपको क्रसर लिखना है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे पॉइंटर लिखे तो आपका जो क्रसर है बाहर तो वो एरो ही रहेगा, बट देखिए धीरे धीरे जैसे ही मैं जाता हूँ इस लाइन को क्रॉस करता हूँ क्रसर हो रहा है, क्रसर हमारा पॉइंटर हो गया। अभी देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, अभी ये पॉइंटर हो रहा है, पहले ये एरो था इधर इसके बाहर, बट इसके अंदर अब ये एक बन गया, क्या ये बन गया एक पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है किसी चीज को। अगर इसको आप चेंज करना है, क्रसर के बहुत सारे वहां पे प्रॉपर्टीज हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि क्रसर लिखूं, इसके बाद मैं अलियास लिखता हूँ, आपको पता चलेगा। अभी इसके अंदर जैसे जा रहा हूँ, एरो एक एरो है, वो एरो क्या कर रहा है, दूसरे एरो उसके ऊपर और एक एरो निकला हुआ है ब्लैक कलर से, तो वो है क्रसर, दो क्रसर्स। तो मैं फिर से लिखूं क्रसर, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ उसको लेट अस अज्यूम क्रॉस हेयर, तो ये एक प्लस वाला एक क्रसर बना देगा। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ये रेड के अंदर, ये अभी प्लस वाला एक आइकन मुझे बना के दे रहा है, बट जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ फिर से एरो, फिर इसके अंदर आया तो ये फिर से प्लस मैं कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली और भी बहुत तरीके के क्रसर है, मैं और एक एक दो दिखा दूंगा, उसके बाद आपको ये ट्राई करना है। कॉपी का एक क्रसर दिखा देता हूँ आपको, तो जैसे ही मैं जाता हूँ ये जो एरो है उसके ऊपर एक प्लस का आइकन आ रहा है, तो ये है कॉपी का क्रसर, बट बाहर जाने से वो चला जा रहा है। सिमिलर मैनर में आप भी बहुत सारे क्रसर बना पाएंगे, यहाँ पे सिंपली क्रसर लिखिए, उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप क्रसर को जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएगा, आप विजिट कीजिए। और ये ग्रैबिंग वाला भी है जिसमें कि एक हाथ होगा जो ग्रैब कर रहा होगा, ये रहा, ज्यादातर ये वाला यूज होता है ड्रैग एंड ड्रॉप में। सो सिमिलरली बहुत तरीके के क्रसर है, आप उसको चेक कर सकते हैं। क्रसर लिखने के बाद आपको ऑटो सजेशन में बहुत सारा क्रसर आ जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर।